हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम क्या कराने जा रहे हैं? आज हम कराने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाय अमित पब्लिकेशन से पाठ 13, जिसका शीर्षक है अंतरिक्ष के पहले यात्री। आज हम जानकारी लेंगे कि अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन कौन से यात्री, कौन से देश के वैज्ञानिक, कौन से देश के पायलट जो थे वो कौन थे, क्या क्या नाम थे। तो बच्चों, संलग्न चित्र में चंद्रयान 2 दर्शाया गया है, इससे संबंधित जानकारी हमें पता होनी चाहिए कि चंद्रयान कब गया था, कौन सा था, कौन से देश का था। और अब हम करने जा रहे हैं पाठ प्रवेश। मनुष्य कभी जंगलों में रहता था, प्रगति करते करते आज मनुष्य चांद तारों तक पहुंच गया है। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले रूसी और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों से परिचय करवाया गया है। आइए शुरू करते हैं। अंतरिक्ष में चमचम करते चांद सितारों को छू लेने की तमन्ना सबके मन में उठती है, लेकिन उसे पूरा करने का सौभाग्य किसी किसी को ही मिल पाता है। 12 अप्रैल सन 1961 का दिन वह ऐतिहासिक दिन है जिस दिन मानव ने पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी। अंतरिक्ष में पहली उड़ान भरने वाले सौभाग्यशाली व्यक्ति थे रूस के यूरी गागरिन। उनके अंतरिक्ष यान का नाम था, क्या नाम था? वास्तोक 1, जिसका वजन था 10 बाय 3.95 पाउंड। इतना वजन था इसका। गागरिन ने पृथ्वी की परिक्रमा की और 1 घंटे बाद ही वह सकुशल धरती पर लौट आए। और ये देखिए चित्र किसका है, जिसका नाम था, ये अंतरिक्ष यान था, इस अंतरिक्ष यान का नाम था वास्तोक 1। और उसके बाद यूरी गागरिन रूसी वायुसेना के टेस्ट पायलट थे, जिन्होंने अंतरिक्ष की पहली उड़ान भरकर अपना नाम विश्व के इतिहास में दर्ज करा लिया। यह किसी देश या एक यात्री की नहीं, पूरी मानव जाति के लिए गर्व की बात थी। कितने गर्व की बात थी ना बच्चों, कि 1961 में सबसे पहले यूरी गागरिन कहाँ पे पहुँचे थे? अंतरिक्ष के पहले मनुष्य थे, पहले रूसी थे ये, और ये वायुसेना के टेस्ट पायलट थे, जो सबसे पहले जिन्होंने अंतरिक्ष पे पहुंचे थे। जो इसके 23 दिन बाद ही अमेरिका के एलन शेपर्ड भी अंतरिक्ष यात्रा को निकल पड़े, और 23 दिन बाद अमेरिका के एलन शेपर्ड भी अंतरिक्ष की यात्रा को निकल पड़े। दिन था 5 मई 1961 और समय था सुबह के 9:35। उनके अंतरिक्ष का नाम था मरकरी। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सौभाग्य भी रूस की ही तेरेस्कोवा को प्राप्त हुआ। ये जो महिला अंतरिक्ष यात्री थी, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? रूस की तेरेस्कोवा। उनके पिता द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। ऐसे वीर और पराक्रमी पिता की साहसी पुत्री थी तेरेस्कोवा। अत्यंत कठिन प्रशिक्षण एवं परीक्षाओं से गुजरते हुए 16 जून 1963 को तेरेस्कोवा ने अंतरिक्ष की उड़ान भरी। वे 70 घंटे और 50 मिनट, इतना टाइम, 70 घंटे और 50 मिनट तक अंतरिक्ष में रही, और उन्होंने पृथ्वी के 48 चक्कर लगाए। उन्हें अपने देश में ऑर्डर ऑफ लेनिन तथा हीरो ऑफ सोवियत सम्मान प्राप्त हुए। अक्टूबर 2000 में उन्हें इंटरनेशनल विमेन ऑफ द ईयर एसोसिएशन द्वारा सदी की सबसे महत्वपूर्ण महिला का खिताब भी मिला। और उसके बाद भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे कौन? वायुसेना अधिकारी राकेश शर्मा। ये कब गए थे? 3 अप्रैल 1984 को अपने 2 रूसी साथियों के साथ। रूसी अंतरिक्ष यान कौन सा यान था? सोयूज टी इलेवन में उन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरी। वे लगभग 1 सप्ताह तक अंतरिक्ष में रहे। जब श्रीमती इंदिरा गांधी, जो उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पूछा
अंतरिक्ष में हमारा देश कैसा लगता है? तो राकेश शर्मा ने क्या उत्तर दिया? सारे जहां से अच्छा। इन पहले अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने साहस और दृढ़ता से भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं के द्वार खोल दिए। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की धरती पर पहला कदम रखा था और मानव सभ्यता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। इन्हीं अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में मानव बस्तियां बसाने का सपना हमारी आंखों को दिया, जो भविष्य में अवश्य सत्य हो जाएगा। तो बच्चों, आपने देखा, आपने जाना कि कौन कौन अंतरिक्ष में पहली बार गया था और उनके यान का नाम क्या था। और अब हम कर रहे हैं कठिन शब्द। अंतरिक्ष, विश्व, आर्मस्ट्रांग, तमन्ना, उपलब्धि, गौरव, सौभाग्य, विश्व युद्ध, सभ्यता, परिक्रमा, परीक्षण, सकुशल और प्रशिक्षण। ये है परीक्षण और ये है प्रशिक्षण, ठीक। और अब हम चल रहे हैं शब्दार्थ पर। तमन्ना यानी इच्छा, वजन का अर्थ है भार, परिक्रमा का अर्थ है चक्कर, सकुशल यानी ठीक ठाक, विश्व यानी संसार, दर्ज कराना यानी लिखाना, प्रशिक्षण विशेष शिक्षा, खिताब उपाधि, और दृढ़ता यानी पक्का इरादा। और अब हम करने जा रहे हैं प्रश्न उत्तर। सबसे पहले है ऐतिहासिक दिन। किस दिन को और क्यों कहा गया ऐतिहासिक दिन? 12 अप्रैल 1961 को उस दिन मानव ने पहली बार अंतरिक्ष में अपना कदम रखा था, इसलिए इसे ऐतिहासिक दिन कहा जाता है। वैलेंटिना कितने समय अंतरिक्ष में रही? उन्होंने पृथ्वी के कितने चक्कर लगाए? वैलेंटिना 70 घंटे और 50 मिनट तक अंतरिक्ष में रही और उन्होंने पृथ्वी के 45 चक्कर लगाए थे। चांद पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? चांद पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति हैं अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग। अब हमें सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले हमसे पूछा है चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम, राकेश शर्मा, यूरी गागरिन, एलन शेपर्ड या नील आर्मस्ट्रांग? नील आर्मस्ट्रांग। वैलेंटिना तेरेस्कोव अंतरिक्ष में रही 60 घंटे 20 मिनट, 70 घंटे 50 मिनट, 80 घंटे 30 मिनट या 70 घंटे 20 मिनट? सही है 70 घंटे 50 मिनट। तेरेस्कोवा को सम्मान प्राप्त हुआ, नोबेल पुरस्कार, ऑर्डर ऑफ लेनिन, हीरो ऑफ वर्ल्ड, साहसी महिला, उनको मिला ऑर्डर ऑफ लेनिन। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रश्न के उत्तर में राकेश शर्मा ने कहा, मेरा भारत महान, जय हिंद, मुझे भारत पर गर्व है या सारे जहां से अच्छा? उन्होंने बोला सारे जहां से अच्छा। राकेश शर्मा के अंतरिक्ष यान का नाम था पायोनियर 2, कोलंबिया, डिस्कवरी या सोयस 2-11? उनके यान का नाम था सोयस टी इलेवन। तो बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम रिक्त स्थान करने जा रहे हैं, जो मैंने पहले से रिक्त स्थान कर दिए हैं, आपके लिए भर दिए हैं। तो इसमें था का दिन वे ऐतिहासिक दिन था जिस दिन मानव ने पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी। तो 12 अप्रैल 1961 का दिन था, जब ऐतिहासिक दिन था, जब मानव ने पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी और वास्तव का वजन 10 पाउंड 3 9 5 था, पाउंड था। और यूरी गागरिन रूसी वायुसेना के टेस्ट पायलट थे। टेस्ट पायलट कौन था रूसी वायुसेना के? यूरी गागरिन। एलन शेपर्ड 23 दिन के बाद ही अंतरिक्ष यात्रा पर निकल पड़े। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। और एलन शेपर्ड के अंतरिक्ष का नाम क्या था, अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? एलन शेपर्ड के अंतरिक्ष यान का नाम था मरकरी। और अब हम चल रहे हैं और अब हम करने जा रहे हैं नीचे दी गई तिथियों के सामने इस दिन क्या हुआ, तो जो कि मैंने आपके लिए भर दिया है। तो सबसे पहले 12 अप्रैल 1961, 12 अप्रैल 1961 को सबसे पहले अंतरिक्ष की यात्रा, पहली यात्रा जो थी अंतरिक्ष की, वो थी 12 अप्रैल 1961 को। और उसके बाद 5 मई 1961 को था एलन शेपर्ड की अंतरिक्ष यात्रा। और उसके बाद 16 जून 1963 को रूस के ही तेरेस्कोवा ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी, जो महिला यात्री थी, महिला थी जिन्होंने, पहली महिला, साहसी महिला थी वो थी तेरेस्कोवा ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। कब? 16 जून 1963 को। और 3 अप्रैल 1984 को भारत के
पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने उड़ान भरी थी, वो कौन थे? राकेश शर्मा। तो ये है हमारी तिथियाँ जिसमें बड़े बड़े जो हमारे वैज्ञानिक थे, जो हमारे पायलट्स थे, जो हमारे, उन्होंने कब कब अंतरिक्ष में यात्रा की थी, ये वो तिथियाँ हैं। और अब हम करने जा रहे हैं वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह। तो सबसे पहले है वास्तोक वन यूरी गागरिन के अंतरिक्ष यान का नाम था। जी हाँ, यूरी गागरिन रूसी वायुसेना के टेस्ट पायलट थे, बिल्कुल सही है। 5 मई 1961 को मरकरी अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष पर गया। जी हाँ, राकेश शर्मा ने चांद की धरती पर पहला कदम रखा। जी हाँ, चंद्रयान टू 2024 में लॉन्च किया गया था। जी नहीं, ये पहले ही लॉन्च कर दिया गया था। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने वाक्यों के सामने सही और गलत के निशान लगाए। और अब हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला अंतरिक्ष यात्री किस देश का निवासी था और उसका क्या नाम था? पहला अंतरिक्ष यात्री था यूरी गागरिन और वो थे रूस के निवासी। अमेरिका का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? वो थे एलन शेफर्ड जो थे, और उनके यान का नाम था मरकरी। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी और वह किस देश की थी? पहली महिला अंतरिक्ष यात्री तेरेस्कोवा थी जो कि रूस की थी। भारत के किस व्यक्ति ने कब अंतरिक्ष यात्रा की थी? भारत के अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, जिन्होंने 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष की यात्रा की थी। और बच्चों, इसके साथ यह बहुत ही अच्छी जानकारी वाला पाठ यहीं समाप्त हुआ। मैं आशा करती हूँ आपको अंतरिक्ष के बारे में पता चला होगा कि कौन कौन से व्यक्ति थे जो सबसे पहले, किस देश के व्यक्ति थे जो जिन्होंने अंतरिक्ष पर सबसे पहले कदम रखा था। इसके साथ आज का पाठ समाप्त होता है। आभार।